आप लोग? ग्राम अंजनी से, थाना सरौली। क्या हुआ, क्या मामला है? मामला ये धनतेरस पे गए थे हमारे बच्चे बर्तन खरीदने, बर्तन खरीद के गाड़ी थी 4 बजे रुपये नहीं खरीदी, अभी वो पुरानी सेकंड है उसमें अभी कागज नहीं आए पाए हैं। उसे बोली ये गाड़ी तुम्हारी चोरी की है, बच्चों को ले जाकर थाने में ले गए, उससे चाबी छीनी बच्चों से, चाबी छीन कर उसमें क्या रखा बच्चों को भी नहीं पता, बच्चों से बोले अब इसमें है क्या, तुम पकड़े गए हो तुम्हारे सामान बरामद हुआ है। हम लोगों को खबर करी गई, हम लोग यहाँ से गए थे, हम लोगों को कहा तुम्हारे बच्चे भी इस काम में पकड़े गए, तुम 5 लाख रुपये दो तो अपने बच्चे छुड़ा कर ले जाओ। हमने कहा हमारे पास 5 लाख रुपये नहीं है, हमने छुड़ा पाएंगे तुम बच्चों को, तो इन्हें बुलाया, फिर हमसे बात खत्म हो गई। इन्हें बुलाने के बाद प्रेमी को फिर इनसे रुपये लिए थे 1 लाख रुपये, और जब तक 1 लाख रुपये ऐसे नहीं ले ली तब तक बच्चों को छोड़ा नहीं और हमें नहीं आने दिए, इन्हें आने मैं थाने नहीं पहुंच पाया हूँ। उसने 1 लाख रुपये लिए, 1 लाख रुपये तब बच्चों को छोड़ा है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे पढ़ते हैं। किस क्लास में? हाई स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, और एक आठवीं कौन है? सिक्स में है, एक सिक्स में है, और दो लड़के ना पढ़ रहे हैं खेतीबाड़ी करते हैं। जब सुबह को हम लोग बरेली आ रहे थे SSB के यहाँ, तो पुलिस धड़का रही थी फोन करके, तो तुम्हें झूठे मुकदमा में फंसाया जाएगा, अगर तुम बरेली शिकायत करने गए तो तुम्हें झूठे मुकदमा में जेल भेजेंगे और इतने मुकदमे लगाएंगे जो हाईकोर्ट में जवाब नहीं मिल पाएगी। ये कह रहे हम लोग को हड़काया जा रहा है, हम बरेली आए तो तब तक हमारे पास कई फोन आ चुके, तो कह रहे थे जाली मुकदमा फंसा के तुम्हें SSP साहब से मुलाकात हुई नहीं हुई अभी? हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? अंजनी। SSP साहब की क्यों आए? SSP कप्तान साहब की क्यों आए हो? हमारे धनतेरस का सामान लेने गए थे सरौली, साहब ने वहाँ पकड़ लिए थे। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? फिर इन बच्चों को ले जाया थाने में, इनसे चाबी छीन के और फिर इन बच्चों को अंत पे ठहर दिया, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या डाला, फिर इन बच्चों को लाए गए इसकी तलाशी दियो। फिर क्या करा पुलिस ने? पुलिस ने फिर उसमें ये करे दिए, हमारे घर से अपने बाप को बुलाओ, अपने बाप को बुलाओ, हम जब पहुँचे। थाना कौन सा है? सरौली। सरौली पुलिस प्रसन्न कर रही है आपको? ये कहा का 5 लाख रुपए दो आपके बच्चे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधेश राम। कहाँ से आए? ग्राम अंजनी। थाना कौन सा है? थाना सरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली। SSP साहब की क्यों आए आज? जी सब मेरी जो है शिकायत कोई किसी ने सुनी नहीं है, मैंने लेकिन मेरी किसी ने सुनी, मैं गया थाने और मेरे पे इल्जाम लगाया था, एक पप्पू नाम का लड़का है, बुकवर है वो पुलिस की और पप्पू की मिली भगत से मेरे पे मुकदमा ठोकना चाह रहे थे, और मुझसे पैसे लिए गए, पैसे 45,000 रुपये जो मेरे पैसा लिया है, पैसे दे के मेरे पे जो है SSP दे के तेरे मुकदमा ठोकेंगे, मुकदमा लग जाएगा, इसकी बहू को ढूंढ कर ला देते। मैंने कहा था उससे कि मैं तेरी बहू को ढूंढ के जो भी देखेंगे देखूँगा, तो मैंने तेरी जितनी मदद करेगी मैं करूँगा, लेकिन मैं मुझसे भी जो भी कहा था मैंने सच्चा कहा था, और SSP से कहा था कि मैंने कहा अगर मेरा बार बार मजदूर है तो मेरे को फांसी लगा दो, मैं स्टाम्पर लेके दे रहा हूँ। पुलिस ने जबरदस्ती मुकदमा कर दिया आपके खिलाफ? हाँ, मेरा मुकदमा नहीं किया, मुकदमा करने से पहले 45,000 रुपये लिए बचाने के, मुकदमा बचाने के, मेरा एक कह रहा हूँ चालान कट दिया 45,000 रुपये लेकर, मेरा चालान कट दिया, चालान करने के बाद पुलिस का पक्का मुखबर है। दूसरे दिन उसकी बीबी आ गई, उसके दूसरे दिन ही पत्नी आ गई उसकी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं, इन्हें बताया कि उसकी पत्नी आ चुकी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई कि पत्नी अब कहाँ से आई। पुलिस की देख रेख में अभी का काम चल रहा है, उसका बहुत अच्छा धंधा चल रहा है।